अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। तो अभी मैं फजर की नमाज़ से फारिग हो चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:25 और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ बनाना अभी से, क्योंकि आज मैं बहुत बिज़ी हूँ। बाहर सुबह का सीन देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का सा उजाला हुआ है। अब तक इतनी देर हो चुकी, 6:30 बज कर गए, फिर भी कितना अंधेरा है बाहर। तो कितना ये जाली लगी है तो शायद इस वजह से आप लोगों को बराबर ना दिखे। रात में हम ये जाली लगाते हैं तो मैं तो निकाल नहीं सकती हूँ, बाद में मेरी जान उठ के ये जाली निकालते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप लोग यहीं से देख ले कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है सुबह का, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा मौसम हो गया है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अभी बज रहा है सुबह का 6:25 और मैंने अभी से व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ शॉपिंग पर बम्बई। तो आज जुम्मा का भी दिन है, तो जुम्मा बाद इंशाल्लाह आज हम लोग शॉपिंग पर जाएंगे। तो अभी तो बाहर सब सो रहे हैं, तो ये लोग जब उठेंगे, जब नाश्ता वगैरह होगा उसके बाद जुम्मा पढ़कर, तो इंशाल्लाह जुम्मा पढ़कर आज हम लोग शॉपिंग के लिए जाएंगे। तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि मैंने क्या क्या ली हूँ। फ़िलहाल तो अभी सब सो रहे हैं तो मैं थोड़ा बहुत अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ, देखते हैं कि मुझे फिर वीडियो बनाने मिलती है या नहीं दिन में, क्योंकि बहुत काम होगा आज। खाना तो बनाना नहीं है, रात में हम खाए नहीं तो वही आज दोपहर में चल जाएगा, रात में तो हम बाहर खाएँगे। ये देखिए शॉपिंग पर जाने की तैयारी शुरू हो गई है, कपड़े प्रेस हो रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई थी कि मैं आज बाहर जाने वाली हूँ शॉपिंग करने, तो मैं निकल गई, मैं घर पर शूट नहीं कर पाई क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है, देखो अभी बस हम लोग निकल चुके हैं, हम लोग टैक्सी में हैं, फिर वहाँ पहुँच कर मैं अपनी छोटी बहन को भी साथ लूँगी, क्योंकि मैं उसे साथ लेकर जाती हूँ अपने। और मतलब ऐसा होता है कि एक से दो रहे तो अच्छा रहता है, पसंद बहन साथ आए तो और मज़ा आता है। तो जाना तो था उसके घर पर, लेकिन बहुत देर हो गई, तो उसे हम लोग खुद नीचे बुलाएंगे और फिर उसे अपने साथ लेकर चलेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाली है। उसका ससुराल वही है मार्केट में, मार्केट के करीब, तो मतलब वो साथ आती है हमारे, हम जब भी बॉम्बे शॉपिंग करने जाते हैं तो मैं उसे भी साथ लेती ज़रूर हूँ, तो वो मेरे साथ हमेशा रहती है। अभी हम कुछ देर में पहुँच जाएंगे मार्केट, ये देखिए मेरी जान और साथ ही मेरा बेटा भी है, ये देखिए आज मैंने उसे भी काम पर नहीं जाने दी, हम सब साथ। चलो मैं वहाँ पे पहुँच के आप लोगों को मिलती हूँ और बताती हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग करी, जो भी शूट करना रहा मैं ज़रूर शूट करूँगी, तो मैं वहाँ पर मिलती हूँ। ठीक है, तो बस अभी हम लोग थोड़ी देर में टैक्सी से उतरेंगे। टैक्सी से उतरते ही मैंने शॉपिंग स्टार्ट कर दी हूँ। 60 रुपये का एक, 60 रुपये का अरे वो वाला, ये 120 का वन। देने का बोलो, कौन सा कौन सा पसंद आ रहा? ये दो कितने के देंगे? दो ले लो, 100 रुपये। ये भी मांगे क्या कि गिलास है? ये गिलास है, ये दो अच्छा लग रहा है ना। और ये कप कैसे दिए? कप कौन सा सिला था? सबका अलग अलग है क्या? कौन से कप अच्छे लग रहे हैं? छोटे छोटे कप मिला कैसे? 180 का पूरा वो गोल्डन, ये 120 बहुत गोल्डन बताओ। नहीं ये नहीं अच्छी लग रही, ऐसे मैं का कोई बताओ ना पैटर्न। कौन सा वो 120 का है? ऐसा ही कोई ब्लू दिए थे ना, बता ऑरेंज बता, थोड़ा बड़ी में चलेगा ऐसा तो पाएगा। नहीं नहीं वो कलर बहुत डार्क हो रहा, ये कलर सही लग रहा ना, यही कलर है क्या?
सुमन तेरे को याद है कुछ? पापा ने जो ले दिए थे, ये पापा ने जो ड्रेस दिए थे उसका यही कलर है बर्थडे में, बड़ा याद नहीं मिले, ऑरेंज और ब्लू का ना। कैसा कैसा मीटर है ये? ये इतना डार्क नहीं था जितना ये 25 वाली है, 20 आएगा वो पहले कपड़ा लेके आने। मेरी बहन के आए तक मैंने ड्रेस वगैरह दे दी छोड़ो ना। ये देखिए मेरी बहन भी आ गई, साथ में मेरी भांजी भी थी, उसकी बेटी। ये देखिए ये मीनारा मस्जिद की गली में है हम इस वक्त अभी। ये खोलो। इस शॉप से मैंने हल्दी के फंक्शन में पहनने वाली ड्रेस ली हूँ। ये ऊपर में दे दूंगा, अभी डिजाइन देख लो। दे दिया ये। बताओ कौन से? देखो और एक बता दे। हाँ पहले तब एक साथ निकालो फिर बताओ। नहीं रे पिंक में अच्छा लग रहा, देखो ब्राउन में है ये। हाँ ये पूरा येल्लो ही है, ये तो फुल येल्लो ले। मैंने अलगो भाई से लिया मिक्स वाला, ये अच्छा लग रहा है। ब्राउन में देखो शेड में नहीं मिलेगा पूरा, ये भी अच्छा लग रहा है। ये पूरा येल्लो ले ले है ना ये। क्या रहता क्या इसमें? तो इयर रिंग और एक और ये मांग के गले का नहीं रहता। गले का नहीं। ये कलर भी नहीं भाई, ये जो ब्लू बताए ना इसी में बताओ दूसरे कलर। ये वाला पीछे ऐसा जो प्लाजो लगा हुआ है ना इसमें बताओ। यहाँ पर हम थोड़ी देर रुक कर फालूदा पी रहे हैं क्योंकि मैं बाहर निकलती हूँ अक्सर तो मुझे प्यास बहुत लगती है, तो हम सब ने इधर रुक कर फालूदा पिए। इस शॉप से मैंने वो रेड कलर की इयर रिंग ली हूँ जो मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ, और मंगलसूत्र का सेट ली हूँ वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। इस शॉप से ली हूँ मैंने। और इस शॉप से मैंने चूड़ियों का सेट बना के ली हूँ जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जब मैं पहनूंगी तो आपको ज़रूर बताऊंगी। इस शॉप से मैंने कॉस्मेटिक का सामान लिया जो मैं आप लोगों को घर जाकर बताती हूँ। ये देखिए सारी शॉपिंग पूरी हो गई और अब इस होटल में हम डिनर करने आए हैं। ये देखिए इस होटल में, इस होटल का नाम मैं आप लोगों को वीडियो में बताती हूँ। तो अभी हम आए हैं खाने के लिए, वही होटल का नाम माशाल्लाह होटल जो मेरी छोटी बहन ने बताई है। हम लोग उससे पूछ रहे थे यहाँ पर ज़्यादा अच्छा कौन सा है, तो उसने बताई ये सजेस्ट किया है ना, तो साथ में वो भी है लेकिन अभी इस बार कैमरे में नहीं आ रही, वो दिखरा रही है नाटक कर रही नाटक। वो जो व्लॉग में आई थी ना मेरी छोटी बहन वही वाली है, वो बोल रही है कि शादी में आएंगी। मेरी बड़ी बहन ने भी प्रॉमिस करी है कि वो शादी हल्दी मेहंदी में वीडियो में आएंगे, देखते हैं इन लोग अपने प्रॉमिस पूरे करते हैं क्या। ठीक है और क्या बोलूँ, अभी हम लोगों ने क्या ऑर्डर किया वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो देखिए हम लोगों ने होटल में खाने के लिए ये शाही तंदूरी प्लेटर ऑर्डर किए जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी था। इसमें बहुत सारे आइटम एक साथ थे तो बहुत 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 टेस्टी था। ये वेटर खुद हमें सर्व कर रहा है,
ये देखिए ये बहुत अच्छा था, मतलब सबका इतना पेट फुल हो गया था कि क्या बताएं। इस बार मैंने चिकन क्रिस्पी ऑर्डर नहीं की क्योंकि मेरे बेटे ने बोला तुम इस बार नहीं मंगाएंगे। अब हम होटल से निकलकर मिठाई की दुकान पर आ गए हैं। यहाँ से हमने घर के लिए कुछ मिठाई ली है खाने को क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है। तो मैं घर पर आ चुकी हूँ और मैंने क्या क्या लाई हूँ मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की हूँ, क्योंकि भाई शॉपिंग ब्लॉग था तो बताना तो पड़ेगा ही कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मतलब वहाँ पर बहुत एक बड़ी ट्रेजिडी हो गई थी, वो ये थी कि भाई मैं अपना पर्स भूल गई थी एक शॉप पर, तो मैंने काफ़ी ढूंढी पर मुझे नहीं मिल रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज भी देखे, उसमें भी नहीं था, लेकिन जहाँ हम लोगों ने ये फुटेज देखे उस दुकान में मैं नहीं भूली थी, दूसरी दुकान में भूली थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र कि मेरा पर्स मुझे वापस मिल गया, उन दुकानदारों ने उसे सेव करके रखे थे, बिल्कुल जैसा मैंने छोड़ी थी वैसा ही था, वहाँ से मेरा कुछ सामान गायब नहीं हुआ था माशाल्लाह से। अल्लाह उन लोगों का भला करे, मेरा पर्स मुझे वापस मिल गया। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदी हूँ। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, मैंने ये मग ली हूँ डेली यूज़ के लिए, एक मेरा और एक मेरे बेटे के लिए। तो मेरी जान ने नहीं लिए क्योंकि उन्हें तो प्याले में चाय पीना पसंद है। तो ये देखिए कितने खूबसूरत मग लग रहे हैं ये, तो मेरे मोइन को ये बहुत पसंद आए, तो हम लोगों ने ये डेली यूज़ के लिए लिए है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करती हूँ। तो ये मैंने रिंग ली हूँ पहनने के लिए ड्रेस पे मैच, तो जो शादी वाले दिन का ड्रेस है वो मेरा रेड है। ये मैंने शादी की शॉपिंग की हूँ, मेरी भांजी की शादी है इंशाल्लाह से, तो उसके लिए उसमें जाने के लिए मैंने ये शॉपिंग की हूँ। तो ये अंगूठी है रेड कलर की। आप लोगों को मेरी कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगे ज़रूर बताना कमेंट करके। उसके बाद जो वलीमे वाला ड्रेस है उसके लिए ये देखिए कि ये अंगूठी ली हूँ मैंने, ये देखिए। उसके बाद ये जो हल्दी के फंक्शन में पहनने के लिए, तो ये छोटी सी रिंग ली हूँ मैंने, ये देखिए। ये मतलब ऐसे ली हूँ कि मतलब जो जैसा ड्रेस है उसके हिसाब से ली हूँ। तो ये रही हल्दी फंक्शन में पहनने के लिए, ये रही वलीमे के लिए, वलीमे वाले दिन पहनूँगी, वलीमे में जो ड्रेस पहनूँगी उस पर ये पहनूँगी, और ये रही शादी वाले दिन पहनने के लिए। के बाद ये खाने का दस्तर लिए हमने, ये दस्तर मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी इस तरह से, क्योंकि इस तरह से दस्तर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी, हमारे इधर जो संडे मार्केट लगता है उसमें भी मैं ये दस्तर फान ढूंढ रही थी पर मुझे नहीं मिला। तो फाइनली मुझे बॉम्बे में मिल गया ये दस्तर, ये देखिए ये कितना अच्छा है। अभी मैं आपको सबसे पहले हल्दी फंक्शन का ड्रेस बताऊंगी जो मैंने रेडीमेड ली हूँ, इसे सिलवाने की ज़रूरत नहीं। मुंबई जाने पर बहुत अच्छी शॉपिंग होती है, तो मैं अभी आप लोगों को सबसे पहले हल्दी फंक्शन में पहनने वाला ड्रेस बता रही हूँ, ये देखिए। ये देखिए ये इसका ब्राउन टॉप है, मतलब कमीज़, ये देखिए इस तरह से ये कमीज़ है इसकी रेडीमेड। ये देखिए और इसके नीचे येलो कलर का प्लाजो है, क्योंकि भाई हल्दी फंक्शन है तो येलो कलर का पहनना तो लाजमी है। ये देखिए ये इसका प्लाजो है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, मैं ज़्यादातर कॉटन पहनती हूँ तो ये कॉटन में ही है। ये देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह से मिल गया हल्दी फंक्शन में पहनने के लिए, और डबल शेडेड इसका दुपट्टा है, ये देखिए। नहीं नहीं डबल शेड नहीं है, सिंगल ही है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर ये ब्राउन कलर की ये पाइपिंग लगा दी है। तो ये रहा मेरा हल्दी फंक्शन में पहनने वाला ड्रेस, ब्राउन कमीज़,
और येलो कलर का प्लाजो और येलो दुपट्टा, और इसके ऊपर मैं कान में इयररिंग क्या पहनूंगी ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि इसका प्लाजो बहुत ही अच्छा लगा। वो इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि येलो कलर मेरा फेवरेट है। तो ये देखिए, ये इसका इतना बड़ा घेर है, ये देखिए। तो अभी मैं आप लोगों को इसके ऊपर क्या पहनूंगी वो बताती हूँ। तो एक मिनट, ये देखिए, ये पहनूंगी मैं इसके ऊपर। ये कान का है और बिंदिया है आई थिंक, तो बिंदिया तो मैं लगाऊंगी नहीं, सिर्फ कान में पहनूंगी। ये देखिए, तो ये हो गई हल्दी फंक्शन की तैयारी। उसके बाद मैं बताती हूँ, उसके बाद अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं शादी वाले दिन क्या पहनने वाली हूँ। तो मैंने फर्स्ट टाइम रेड कलर का ड्रेस ली हूँ, ये देखिए। क्योंकि मैंने कभी नहीं ली रेड कलर का ड्रेस, फर्स्ट टाइम ली हूँ। मैं पूरा खोल कर नहीं बताऊँगी क्योंकि फिर घड़ी मुझे ही करना पड़ेगा। ये देखिए, ये इस तरह से इसका वर्क मुझे बहुत अच्छा लगा। कॉपर गोल्ड में है इसका काम, तो मैं पूरा नहीं खोल कर बताऊँगी आप लोगों को, वरना मुझे ही सब करना पड़ेगा। आप लोग ऐसे ही देख लो, दुपट्टा चाहिए तो मैं पूरा खोल के आप लोगों को बता सके। देखो यही से दिख रहा है, देखो अच्छा है, यही से दिख रहा है। ये देखिए इसका नेक है, और ये इसका दामन है। आप लोगों को मेरी शॉपिंग कैसे लगी ज़रूर बताना। और ये रहा इसका दुपट्टा, ये देखिए दुपट्टे में भी देखिए कितना अच्छा वर्क है। तो फाइनली मैंने रेड कलर का ड्रेस ली हूँ शादी वाले दिन पहनने के लिए। फर्स्ट टाइम रेड कलर ली हूँ मैंने, वरना मैं नहीं ली हूँ अब तक रेड कलर का। ज़्यादातर ब्लू येलो यही सारे कलर लेती हूँ मैं, लेकिन रेड कलर का मैंने फर्स्ट टाइम ली हूँ। ठीक है, बहुत मज़ा आई वहाँ पर हम लोगों को। मैं आप लोगों को वलीमे वाले दिन कौन सा ड्रेस पहनूंगी वो बताऊंगी। ये कलर मेरे को समझ में नहीं आया, ये कौन सा कलर है, तुम्हारे को समझ में आया कौन सा कलर है? नहीं, कॉफ़ी कलर नहीं है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो ये कलर कौन सा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। ना ये ब्राउन में है, ना ये ग्रे में है, वो इंग्लिश कलर है ना, वो यही बोल रहा था ना। तो ये है वलीमे वाले दिन पहनने का ड्रेस, है ना। कॉफ़ी कलर भी बोल सकते हैं ना, लाइट चॉकलेट कलर है। तो मैं चॉकलेट बनूंगी वलीमे वाले दिन। ये देखिए, ये इसका दुपट्टा है, ये देखिए ये इसका दुपट्टा है। इसके ऊपर भी वर्क बहुत अच्छा किया हुआ है, ये देखिए बॉर्डर पे दुपट्टे के। और शलवार का कपड़ा प्लेन है। और ये देखिए, मैं आप लोगों को ये बताती हूँ, ये देखिए ये इसका नेक है। पूरी तरह से मैं खोलने रही हूँ क्योंकि मुझे फिर घड़ी करने नहीं आती है, और अभी सब इतना थक चुके हैं कि कोई मेरी हेल्प भी नहीं करेगा। तो ये देखिए, ये इसका नेक है, और ये इसका दामन है। तो ये मैं पहनने वाली हूँ वलीमे वाले दिन, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी ड्रेस कैसा लगा ज़रूर बताना। उसके बाद ये चूड़िया है, तो ये बॉक्स में पैक है, तो मैं आप लोगों को खोल के नहीं बताऊंगी। तो ये दोनों ड्रेस की मैचिंग है, प्लस जो मैंने हल्दी के लिए ड्रेस ली हूँ उसका भी नहीं, उसकी हाँ उसकी अलग है, लेकिन वो भी खोल के नहीं बताऊँगी। क्योंकि वो लोग जो बांध कर देते हैं वो लोग बहुत अच्छे से बांध कर देते हैं, मेरे से तो ये बंधेंगी ही नहीं ऐसे इतने अच्छे तरीके से। तो मैं इसे नहीं खोलूँगी, बस आप लोगों को ये बता रही हूँ कि मैंने ये हल्दी के फंक्शन में पहनने के लिए है, और इसमें शादी और वलीमे में जो चूड़ी पहनूँगी वो है। इसके अलावा ये देखिए, ये इयररिंग दी हूँ मैंने, ये इस ड्रेस पे मैच, ये देखिए रेड कलर के ड्रेस पे मैच।
तो आप लोग ऐसे ही देख लीजिए, ये भी मैं निकाल के नहीं बताऊँगी क्योंकि सब पैक है, तो फिर निकाल के बताऊँगी कि मुझे रखना ही नहीं जमता। उसके अलावा ये मैंने मंगलसूत्र का सेट ली हूँ, ये देखिए इसमें दो कान का भी है टॉप पहनने का, और साथ में ये मंगलसूत्र है। उसके अलावा मैंने वलीमे में जो कान में ईयरिंग पहनना है उसके लिए मैंने कुछ नहीं ली हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक रखी हुई है ईयरिंग बड़ी, तो मैं वही इस पर चला लूँगी। मैं आप लोगों को वो भी बताऊँगी। और साथ में ये मैंने लेस ली हूँ, ये मैंने उस ड्रेस पे ली हूँ जो मुझे बर्थडे में गिफ्ट मिला है, मेरी जान ने मुझे दिए थे बर्थडे गिफ्ट। तो मैंने ड्रेस लेकर तो नहीं गई थी मैच करने के लिए, बट अंदाजे से ले ली, अल्लाह करे मैच ही हो जाए। और क्या ली हूँ, हाँ मेकअप का सामान ली हूँ, ये देखिए ये काजल ली हूँ मैंने वहाँ पर कॉस्मेटिक की शॉप से, वो भी मैंने वीडियो ली हूँ, आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। उसके अलावा ये वाटरप्रूफ लाइनर ली हूँ मैंने, ये स्केच लाइनर है ये देखिए। उसके अलावा ये दो लिपस्टिक ली हूँ मैंने, ये देखिए मैं आप लोगों को खोल के बताती हूँ, ये देखिए और ये दूसरा शेड भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये देखिए दोनों शेड बहुत अच्छे हैं, ये मैट लिपस्टिक है। तो इस तरह से रही मेरी शॉपिंग, तो आप लोगों को मेरा सबसे ज़्यादा कौन सा ड्रेस अच्छा लगा ये ज़रूर मुझे बताना। साथ मेरी बहन भी आई थी, उसने बहुत हेल्प की। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात तो बताना ही भूल गई, ये जो ड्रेस है ये मेरी बहन ने पसंद की मेरे लिए वलीमे वाला, और ये रेड कलर का मैंने पसंद की हूँ। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को ड्रेस कैसे लगे दोनों, और सबसे ज़्यादा कौन सा ड्रेस अच्छा लगा। तो इसी के साथ ही मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा शॉपिंग ब्लॉग पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल रिच ब्लॉग्स को, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग या एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।